Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover. Class 12th math sample paper के question number 7 के solution में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इससे previous video आपने अभी तक नहीं देखा है तो complete playlist का link मिलेगा आपको description में। साथ ही साथ बहुत जल्द हम अपने channel पे one shot video series भी start करने वाले हैं, उसका भी link मिल जाएगा आपको description में। फिलहाल question number 7 देखते हैं कि क्या है। Find इंटीग्रेशन ऑफ इतना, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा। तो ये हमें पता है कि ये जो है हमारा टर्म वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है उस पे बेस्ड है और जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो चलिए इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं एक्स प्लस, और इसको ब्रेक करने के फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स डी एक्स। dx वाला टर्म अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, उसका रीजन ये है कि इंटीग्रेशन हमने नहीं लगाया है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, नीचे वाला टर्म जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस c है ना, c बाई एक्स। इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इसको लिख लेते हैं सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, और यहां पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम दोनों का एलसीएम कितना होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वन से मर गया, इसको वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस सी वाला जो है वो एक्स से एक्स मर गया, ये वाला टर्म ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। नीचे से नीचे वाला जो है वो कैंसल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा है, दैट इज एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन। अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस सी, ठीक है, प्लस बी एक्स, और प्लस हमने लिख लिया सी। बस हमने क्या कर लिया है कि इसको बस सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, बी एक्स और सी को हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो ही हो जाएगा। यानी कि इसका कॉफिशियंट कितना है, कॉफिशियंट से हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इसका कॉफिशियंट कितना आएगा, जीरो के, इसका बी का वैल्यू कितना आएगा, वन के, और सी का वैल्यू कितना आएगा, वन के। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस सी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, b किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा, और c किसके इक्वल होगा, ये भी वन के इक्वल होगा। तो a का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, a प्लस सी का वैल्यू कितना है, वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस वन, a इक्वल्स टू माइनस वन, ए मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, सारा का सारा हमारे पास अब मिल चुका है ए बी सी। तो चलिए क्यों ना क्यों सारे के सारे वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इंटू एक्स। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए एक्स प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है, माइनस वन, माइनस वन इंटू एक्स, दैट इज माइनस एक्स, प्लस बी यानी कि प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर यहां पे प्लस है, सी का वैल्यू कितना है, वन, यानी कि वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। अब हमें चाहिए इसका इंटीग्रेशन, यानी कि हमने जो इस टर्म को था उसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख लिया है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ब्रेक कर इस सारे इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में ब्रेक करके लिख लिया है। अब हमारे पास सिंपल सा पार्ट है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। चलिए फटाफट से इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साथ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इधर इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन लगा दे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, इंटू एक्स, ठीक है। इसी का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, यहां पे डीएक्स भी रहेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, और उसके साथ साथ प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डीएक्स, वन बाई एक्स डीएक्स, ठीक। कोई सुनी है, कोई सुनी है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहां पे क्या बच जाएगा,
अब हमारे पास यहां पे क्या बच जाएगा इसके बारे में देखते हैं। तो ये वैल्यू तो हमें इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए, हमें इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें है ना, डिफरेंशियल जो इक्वेशन होता है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन के मेथड से, कि नीचे वाले टर्म को हम लोग टी पुट कर लेते हैं फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स होगा, लेकिन यहां तो टू है नहीं, यहां तो टू है नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, टू से मल्टीप्लाई और टू से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, क्या करते हैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस वन बाई टू यानी कि माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड दिया माइनस टू से तो मल्टीप्लाई भी करते हैं माइनस टू से, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा टू एक्स और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, समझ गया ना, यहां पे समझ गया ना, माइनस टू से डिवाइड दिया और माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, डीएक्स है तो डीएक्स प्लस, इसका तो डिफरेंशिएशन आप ऐसे भी जानते हैं, पहले अभी फिलहाल हम लोग एस को ऐसे ही लिख देते हैं ताकि एक साथ इंटीग्रेशन करें तो ज्यादा सही जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं माइनस वन बाई टू, अब यहां पे टू एक्स है, ये दो टर्म है उसको हम लोग सेपरेट टर्म में लिख सकते हैं, सेपरेट टर्म इन द सेंस एक बार लिख लेते हैं टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, और एक सेपरेट कर लेते हैं इसको साथ, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, और एक हो गया प्लस वन बाई एक्स डीएक्स, अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां तक हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सिंपल फॉर्म में, अच्छी बात है, मिटा दिया जाए इसको, मिटा दिया जाए फटाफट से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने साथ कॉपी और पेन लेकर रखेंगे ताकि आप मेरे साथ सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया माइनस वन बाई टू, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, कितना लेट कर लेंगे टी, ठीक है, तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टी, तो हमारे पास क्या आ गया, टू एक्स डीएक्स इक्वल्स टू डी टी, डिफ्रेंसिएशन कर लिया तो टू एक्स डीएक्स इक्वल्स टू डी टी है ना, तो यहां से अगर हम लोग डीएक्स निकालना चाहें तो डीएक्स इक्वल्स टू क्या होगा, dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt बाई टू एक्स, अब 2x के प्लेस पे यहां पे इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, केवल इसमें हमने पुट किया है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू, टू एक्स को 2x लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने क्या लिए लिख किया है, t लेट किया है, इन टू dx, dx का वैल्यू कितना आया है, दैट इज dt डिवाइडेड बाई 2x, 2x से 2x मर गया, फिर इधर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू जो है हमारा इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं डीएक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डीएक्स, ठीक, कोई इशू नहीं है। अब आप यहां पे देखो तो माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी डी टी का क्या होता है, बिल्कुल ये हो जाता है लॉग टी, log t माइनस टू, ये अगर हम लोग देखें dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, याद कीजिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला यही होता है, क्या tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, दोनों अपोजिट है ना, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स x प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये तो हमें साफ दिख रहा है log x, और लास्ट में निकल जाएगा क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो यानी कि प्लस आ जाएगा c, प्लस आ जाएगा c, लेकिन हमें t के टर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो x के टर्म में आंसर चाहिए होता है, तो लिखेंगे माइनस वन बाई टू लॉग t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टैन इनवर्स x प्लस log x प्लस सी, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल फॉर्म में मैंने इसको आपको बताया है कि कैसे इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, एक भी कॉन्सेप्ट मैंने मिस नहीं किया है, कहीं भी आपको कहीं कुछ भी इशू देखने को नहीं मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, 8 क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट से और सारे के सारे क्वेश्चंस को देख डालिए अभी।